साबिक वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद से पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। शेख रशीद को बतौर साबिक वफाकी वज़ीर दाखला इस्लामाबाद पुलिस के 3 पुलिस अहलकार फराहम किए गए थे जो कि उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, ताहम अब ये सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद से पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उन्हें बतौर साबिक वफाकी वज़ीर दाखला इस्लामाबाद पुलिस के 3 अहलकार फराहम किए गए थे जो कि उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, ताहम अब ये सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। हुकूमत की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अवैस कियानी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अवैस, वजह क्या बताई गई सिक्योरिटी वापस लेने की? देखिए, वजह बड़ी सिंपल सी है। ये साबिक वफाकी वज़ीर दाखला के तौर पर जो है ये इनके पास जो है सिक्योरिटी थी, शेख रशीद के पास 3 सिक्योरिटी जो एहलकार हैं पुलिस के, वो यहाँ पर अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे थे और सिर्फ यहाँ पर जिनके जो घर है वहाँ पर ये ड्यूटी पे मामूर थे, लेकिन वजारत दाखिला के अहकाम के बाद जो है उनको वापस बुला लिया है। हालांकि जो कानून है वो ये बताता है कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के पास जो है उनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी की जाती है, और यही वजह है कि एहसन इकबाल जब थे साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला तो उनके पास भी पुलिस गार्ड मौजूद थी, लेकिन अब जो है अचानक से जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, इनसे सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। और यकीनी तौर पर जो एक पॉपुलर लीडर हैं और ये जो एक बात सामने आई है सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं इनको, और जो कानून है वजारत दाखिला का उनके मुताबिक जो है ये सिक्योरिटी जो है इनके पास मौजूद थी और बहुत ही मामूली सिक्योरिटी थी। सिर्फ 2 से 3 बंदे जो है पुलिस अहलकार जो है यहाँ पर इनके घर पर ड्यूटी देते थे। तो अब ये सूरत हाल है कि वजारत दाखिला ने जो है वापस जो है पुलिस एहलकार जो थे इस्लामाबाद पुलिस के उनको शेख रशीद के घर से वापस बुला दिया। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए।